जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा आप सभी से मैंने कहा था कि जब घर पर जाएंगे तभी जो आप लोगों के सहयोग से जो ये पुरस्कार मिला था अपने को, वो अब आप आराम से देख लीजिए इसको, ताकि मन में ना रह जाए, क्योंकि मैंने भी आज ही देखा है इसको, तो मैंने सोचा भी आपको दिखा देते हैं। और आज ये जो टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर है, करो अपना आकलन 10 का दम, ठीक है, जो सही प्रश्न बताएगा वो ये ले जाए, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, 10 ही प्रश्न आप लोगों के पास। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को राथा नदी कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बिल्कुल आप लोगों का जो जवाब आ रहा है, माही, लूणी, बनास, अहिया पार, कौन पड़े, तैयारी ढंगू कर लियो, ठीक है। यहां इस प्रश्न को जो राथा नदी कहते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां बात कर रहे हैं तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है चंबल नदी। क्या है? चंबल नदी। राजस्थान की कामधेनु भी अगर पूछा जाए किस नदी को कहते हैं, तो वो भी उत्तर क्या होगा? चंबल नदी होगा। और दोस्तों चंबल के अंदर देखो, जैसे चंबल आ रहा है, वैसे बनास आ रहा है, और लैसे लूणी नदी आ रहा है, ये तीनों ही नदियां हैं राजस्थान की, 6-6 जिलों में बहती है, 6-6 जिलों में। अब हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी अरब सागर की है गुरुजी, और कौन सी बंगाल खाड़ी की है, या कोई आंतरिक जल प्रवाह की है, तो मैं आपको बता देता हूं, आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का जब हम बात करते हैं तो घर में काका रूपी सास, एक लाइन याद रखना, और बंगाल की खाड़ी की नदियों की बात करते हैं तो चंपा कली, ब्रेड बना, बाण चखा कोठारी को, और अरब सागर की बात करें तो मालू सोजा, नहीं तो सांप खा जाएगा, वीडियो डाला हुआ है, तो बने रहे। इसी प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ रहा है, बाकी ये सभी को पता है, माही का, लूणी का, बनास का, सब पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्न में से किस झील के नमक में, निम्न में से किस झील के नमक में सोडियम फ्लोराइड। देखो दोस्तों प्रश्न को ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में एक छोटी सी गलती हो जाती है, लिखा होता है निम्न में से कौन सा नहीं है, और हम है उसको करके आ जाते हैं, उसके भी एग्जाम्पल दूंगा कैसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो निम्न में से किस झील के नमक में सोडियम फ्लोराइड की मात्रा, क्लोराइड कौन कहने लग रहे हो मैं, ठीक है नहीं, और आपस में बात ना करो पीछे बैठे जगह, थोड़ा ध्यान दो इन्हें। तो सोडियम फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है पचपदरा में, सांभर में, लूणकरणसर में, डीडवाणा में। हम बात करते हैं लूणकरणसर की, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, तो भारत का राजकोट किसे कहा जाता है? गुजरात में राजकोट अभी नहीं कहे, इसको राजकोट क्यों कहते हैं? ये लूणकरणसर प्रसिद्ध है मूंगफली उत्पादन के लिए। किसके लिए? मूंगफली उत्पादन के लिए। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व में वह कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन होती है, तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जगह? सेनेगल, डकार, वहां पर मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और लूणकरणसर झील उत्तरी भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है, यह भी ध्यान रखना। लेकिन फ्लोराइड की जब बात आएगी तो हम बात करते हैं सीधा ही डीडवाणा, और डीडवाणा किस जिले में है? नागौर में है, और नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है नागौर। और राजस्थान के बीचों बीच में से जो जिला कटता है वो जिला कौन सा है? नागौर है। अब यहां बात आ गई पचपदरा की, ठीक है, पचपदरा में सोडियम क्लोराइड है, और हमने क्या पूछा है? फ्लोराइड। नागौर में जो झीले हैं उनमें सभी में क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मैंने कहा था 10 प्रश्न सही करने हैं, ले जाइयो आगे, ठीक है। तो ये लीजिए, निम्न में से कौन से सांभर झील के जल के स्रोत हैं, यानी जो सांभर झील की अपने बात करते हैं, उस सांभर झील में कौन कौन सी जो ये बातें हैं भाई, रूपनगढ़ की नदी है, त्योंद का नाला है, या जो ये लिखा हुआ है झपोक का नाला, या ये सभी, क्या ये सभी जल के स्रोत हैं? अगर है तो फिर जवाब दीजिए, आपके पास समय आपका शुरू हो चुका है। कौन से सांभर झील के जल के स्रोत हैं? तो दोस्तों मैं बता देता हूं, रूपनगढ़ नदी भी सही है, त्योंद का नाला भी सही है, झपोक का नाला भी सही है, तो गुरुजी के अलावा और कौन सा है? तो अपने लिख सकते हैं नलिया सर, नलिया सर का नाला। अब आपको कमेंट करके बताना है, क्या नलिया सर सभ्यता है या नहीं, क्या जोधपुरा सभ्यता है? अगर दोनों ही सभ्यताएं हैं तो वो राजस्थान के किस जिले में है, ये कमेंट करके बताना है। जयपुर, अजमेर, नागौर, सीकर, आप लोगों के सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो सांभर झील की बात कर रहे हैं, और हमको ये पता लगता है बिजोलिया शिलालेख, किस शिलालेख से? बिजोलिया शिलालेख से,
शिलालेख कौन सा हुआ? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? गुरुजी थे ही करवायो, मैं कौन करवायो? अरे वासु, आसु नहीं है, वासु है। तो क्या नाम आएगा? वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। और यहीं पर बात करते हैं तो शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। शाकंभरी माता का मंदिर उदयपुर वाटी में भी है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी है। उसके अलावा वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक थे, 551 ईस्वी में इन्होंने नींव रखी थी। एक प्रश्न आप लोगों से अलग बता रहा हूं, बिजोलिया शिलालेख अपने बात करते हैं कि ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके पिता के समय का है, कब का है? सोमेश्वर चौहान के समय का है। गुणभद्र इसके रचयिता होंगे। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि बिजोलिया शिलालेख लिखवाया किसने था और कौन से मंदिर पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से हमको ये पता चलता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान है, इनकी उत्पत्ति चौहानों की ब्राह्मणों से है, ये हम पता कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न आप लोगों से है कि बिजोलिया शिलालेख के जो लिखवाने वाले व्यक्ति है उसका नाम क्या है और किस मंदिर पर है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी, और इनके साथ में नलिया सर का नाला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के शेखावाटी प्रदेश में कौन से बालू का स्तूप सर्वाधिक देखे जाते हैं? अब जिलों की बात करा शेखावाटी की, तो शेखावाटी में कौन सा जिला आ रहा है? मार तो गुरु जी यही जिला आवाज है, सीकर झुंझुनू चूरू यही आवाज है, कि मार कहानी भी यही आवाज है, सारा कहानी आवाज है। लेकिन धाम ध्यान कहीं रखना चाहे, शेखावाटी प्रदेश के मायने जो एक नदी बहती है कौन सी? गुरु जी कांतली। कौन सी नदी छे? कांतली छे। कांतली ने कहीं बोले छे? तोरावाटी भी बोले छे। तोरावाटी बोले छे कि यानी जब गांव की ओर जाते हैं तो छह लगाकर जो बोलते हैं, ठीक है। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। अब हमारे सामने कंफ्यूजन रहता है, एक प्रश्न आता है बांगर, क्या आता है? बांगर। और एक आता है बागड़, ठीक है, बागड़ भी लिखा आता है। अब आप लोगों को वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, जब आपके सामने बांगर लिखा आए ऊपर बिंदी लगी हुई आए तो ये मान लेना शेखावाटी प्रदेश है, और बागड़ लिखा आए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है। और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, पहाड़ों की नगरी के विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो झीलों की नगरी वाले भी पीछे नहीं है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है तो झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर है। तो बांसवाड़ा भी पीछे क्यों रहेगा? हम भी सौ द्वीपों का शहर कहलाते हैं सर, हमारे भी आम पापड़ प्रसिद्ध है बांसवाड़ा के। बिल्कुल सही है, आम पापड़ प्रसिद्ध है बांसवाड़ा का, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में, मानगढ़ धाम आपके बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रदेश में कौन से बालू का स्तूप सर्वाधिक देखे जाते हैं? उत्तर क्या होगा? बरखान होगा। क्या होगा? बरखान होगा। अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें कहते हैं बरखान। अब यहाँ अनुप्रस्थ तारा नेटवर्क गुरुजियों की है, क्या गुरुजी तारा क्या सनी देओल को नाम हो गए? गद्दर एक प्रेम कथा, ठीक है, वो कौन ही तारा? तारा क्या होता है कि जैसे दो जो हवाओं के, देखो एक बात है, इधर एक बालू का स्तूप है, एक इधर बालू का स्तूप है, उनके बीच जो जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम नेटवर्क कहते हैं। लेकिन हवा के वेग से जो एक स्टारनुमा आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं? तारा कहते हैं। और अर्धचंद्राकार आकृति वाले बरखान कहलाएंगे। तो समकोण जो आकृति वाले हो गए वो अनुप्रस्थ हो गए, ठीक है, समकोण वाले। और समांतर वाले कौन से होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल गुरुजी 38,401 वर्ग किलोमीटर है, क्या बताओ? नहीं है। तो 38,401 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर का। और जैसलमेर का ही राजस्थान में अपने बात करें कितना प्रतिशत हिस्सा है? 11.22% हिस्सा है जैसलमेर का। धौलपुर का कितना है सर? 0.89। तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा हो गया? 12.66 गुना बड़ा हो गया। यह तो बात अलग से हो गई, ठीक है। अब यहां बात कर रहे हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। आप लोग सोच रहे होंगे सर विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तो देखो भारत के क्षेत्रफल का कितना हो गया? 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% है। अब यहां प्रश्न आ जाता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान की है? तो जनसंख्या की बात करें तो 1% राजस्थान की जनसंख्या, 1% राजस्थान की जनसंख्या की बात कर रहे हैं।
समझ बागी थाने बात। अगर राजस्थान की जनसंख्या पूछी जाती है तो एक नंबर पर है विश्व में, ठीक है, तो 1% है राजस्थान। आपनो राजस्थान, हरियाणा राजस्थान की तो बात ही निराली है, ठीक है। और फिर विश्व में कुल क्षेत्रफल का उत्तर हो जाएगा 0.5%। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। तो आप इसी प्रकार कंटेंट में बने रहें, अभी भी आपके सामने 5% और बाकी हैं। देखते हैं कि आज आप ये YouTube वाली ये ट्रॉफी आप लेकर जाते हैं या नहीं। मैंने यहीं पर संभाल के रख रखी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, जुड़े रहें बिल्कुल, अपने साथियों को शेयर कर दें। नेक्स्ट पर्सन, सेंट गोबेन ग्लास उपक्रम मूलतः किस देश का है? हमसे प्रश्न ये नहीं पूछा गया कि ये कहां पर है, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न पूछा गया तो हम इसका उत्तर देते हैं भिवाड़ी अलवर। क्या कहते हैं? अलवर। जिस जिले के नाम में लवर लिखा है वो जिला अलवर है। और अलवर की बात करते हैं, लवर श्री कृष्ण भगवान को भी कहते थे अपने, तो प्रजामंडल में इसको मैंने अच्छे से समझाया है कि कृष्ण भगवान का ही रूप कुंज बिहारी हरि नारायण। यहाँ प्रजामंडल के संस्थापकों की बात आती है, यहीं पर भरथरी जो कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल कहलाता है, भरथरी का मेला भरता है। यहीं पर बात करते हैं अपने नारायणी माता का मेला भरता है, यहीं पर जिलानी माता का मेला भरता है, यहीं पर सरिस्का का अभ्यारण्य है, तो यहीं पर बाला किले की बात करते हैं, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ जिनकी बात करते हैं, वृत्त औद्योगिक इकाइयाँ बड़ी बड़ी, तो वो अलवर जिले में आती है। और मैं यहाँ पर बात करता हूँ भिवाड़ी की, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। किसे बोलते हैं? भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर बोलते हैं। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, भारत में मैनचेस्टर की बात करते हैं तो कंफ्यूजन होता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर कहलाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु कहलाता है। तो गुरुजी अपना राजस्थान को मैनचेस्टर कौन सो है? अरे राजस्थान को भीलवाड़ा है, वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात, टेक्सटाइल सिटी के नाम से विख्यात जिला भीलवाड़ा कहलाता है, लेकिन नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, ठीक है। अब यहाँ सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री अगस्त 2014 हो सकता है शायद इसका उत्तर की स्थापित हुई थी, वो आप देख लेना भी ये कब की है, अगस्त 2014, अगस्त 2010 कब की है? अगस्त 2010 में यह स्थापित हुई थी। और किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। ओ नाम बढ़िया कौन लागन लाग रही हो था तो एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध होते हैं ना, वो लोग आक्रमण कौन कर सके, ठीक है, सिर्फ नाटक ही करेगा, युद्ध नहीं होने वाला, ध्यान रखना ये, क्योंकि इनको पता है रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन अपने को इन चीजों का बहिष्कार करना है, क्या अपनानी है? स्वदेशी अपनाओ, तवज्जो नहीं देना है। फ्रांस, हमसे भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फ्रांस से क्या चीज ली गई है भारतीय संविधान में। अब आपको बताना है क्या संघीय व्यवस्था ली गई है, क्या गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, क्या आपातकाल लिया गया है, क्या नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे फ्रांस से कौन सी जो चीज हमारे संविधान में ली गई है। नेक्स्ट पर्सन, राज्य की सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी शुगर मिल केशव राय पाटन है, इसकी स्थापना कब हुई? गुरुजी मैं तो आई रटरा की केशव राय पाटन ही पूछोगा, लेकिन देखो यहां बता देता हूं, 1948 ने क्यों हो गुरुजी? महात्मा गांधी जानता रिया यहाँ गोन भूतानो, ठीक है। 1948 की बात करते हैं तो श्री गंगानगर शुगर मिल, इसमें गन्ने की पिराई, ठीक। 1956 में इसी को सार्वजनिक क्षेत्र की कर दिया गया, क्या कर दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र की कर दिया गया था 1956 में। और 1968 की बात करें तो 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य, तो गुरुजी उत्तर तो पता चल ही गया हमको, उत्तर 1965 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि केशव राय पाटन है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी और किस जिले में हुई थी?
बूंदी जिले में हुई थी। जिला कौन सा हो गया? बूंदी जिला। बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा के द्वारा की गई है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी जिले में बात करते हैं, बूंदी 84 रुपए किलो है। बूंदी कितने रुपए किलो है? 84 रुपए किलो है। तो 84 खंभों की छतरी जो है, वो 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है। तो 80 खंभों की छतरी अलवर में है। 32 खंभों की छतरी सवाईमाधोपुर में है। 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओगे, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है, ये भी प्रश्न आ सकता है, कमेंट करके बताओगे। तो 1965 में ही भारत पाक का युद्ध हुआ था। भारत पाक का युद्ध हुआ था। पाक को हरा दिया था भारत ने, और इसी खुशी में एक विजय स्तंभ बना था। किस माता के मंदिर के सामने? तनोट माता मंदिर के सामने। तनोट माता मंदिर, तनोट माता कहां पर है? जैसलमेर में है। रुमालों वाली देवी कहलाती है, सैनिकों की देवी कहलाती है। बीएसएफ का ही जवान जो होता है वो पुजारी के रूप में पूजा अर्चना करता है। जब वहां से पाकिस्तान के बम गोले बरसाए गए, की फर्क कौन पड़े, क्योंकि तनोट माता वहां पर थी, ठीक है। और 1971 में उसमें अपने बात करते हैं लोंगेवाला पोस्ट की, और आप लोगों ने देखी होगी बॉर्डर फिल्म, तो उसमें दोनों ही चीजों को दिखाया गया है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर 1965 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राजस्थान में प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश होता है वो कहां से होता है? मानसून का प्रवेश होता है बांसवाड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोगों से प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं मैं, प्रश्न क्या है, राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। जबकि आपको मैं ये बता देता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होगी वो कौन सी खाड़ी से होगी? बंगाल की खाड़ी से। और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होगी वो कौन से होगी? अरब सागर के मानसून से। राजस्थान में गुरुजी क्यों को नहीं होने लग रही? क्योंकि अरावली के समानांतर चला जाता है अरब सागर वाला, तो लेकिन यहां किससे वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, 57.51 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जैसलमेर है। तो वहां कितने प्रतिशत होती है वर्षा, वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है, ये आपको बताना है। जब बात करते हैं हरित क्रांति की, तो हमें याद आता है नॉर्मन ई बोरलॉग। और जब नॉर्मन ई बोरलॉग की बात करते हैं तब हमें पता चलता है मेक्सिको की, और जब मेक्सिको की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहां भारत में बात करते हैं हरित क्रांति का जनक भारत में कौन था, तो हमें याद आता है एम एस स्वामीनाथन। जो इसका कहते हैं ना, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1962 में हुई थी, लेकिन वो साल जो है वो है 1966-67 का है हरित क्रांति का। अब यहां प्रश्न आ रहा है कि कौन सा था, पूर्वी राजस्थान? नहीं, इसका उत्तर है उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाले ये जो जिले हैं ये इसमें आ जाते हैं हरित क्रांति से। और गंगानगर आपनों जिलो, ठीक है, आपा किंगा गंगानगर का, गंगानगर किंगो आपारो, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। और वो जिलो आपनों ही दीवड़ो है, तो वो भी आपनों ही भाई बंधु है, तो दो ही पहचान है इनकी, आरजे 13 और इसी को उल्टा कर दो आरजे 31। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म है, आप लोगों को असंगत युग्म बताना है। शुभंकर पूछा गया है यहां पर, शुभंकर पूछा गया है, क्या बांसवाड़ा का शुभंकर जलपीपी है? 100 द्वीपों के शहर का शुभंकर जलपीपी है क्या? जिसे हम बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी, जिसे बात करते हैं अपने, अरे त्रिपुरा सुंदरी है, जिसे तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तलवाड़ा झील अगर पूछ ली जाए तो हनुमानगढ़, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन तलवाड़ा जो है एक बांसवाड़ा में भी है, जयपुर में है चीतल, बिल्कुल सही है गुरुजी, बांसवाड़ा, ठीक है गुरुजी, बीकानेर, ठीक है, क्यों ठीक है, पढ़ाई कौन करो, गलत है, बीकानेर भी ठीक है, क्यों हर कोई ठीक कर दियो, सिरोही सही है, तो इसमें गलत क्या हो गया, बीकानेर वाला, क्योंकि छोटा किला हनुमानगढ़ का है भाई, ठीक है, और बीकानेर में कौन गया, बटवड़। बाकी अगर कोई चीज में अगर मिस्टेक हुई है तो आप उनको चेक कर लेना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ये 10% रखे गए थे, तो 10% जिस विद्यार्थी ने सही जवाब दिए हैं वो अपना नाम लिखकर, जिले का नाम लिखकर बता दें, ताकि जो आपने ये जीता है
ठीक है, वो सिर्फ आपको दिखाया जा सके, यही था सस्पेंस। क्यों था न दे तो फिर मैं लगाऊंगा, बेकि थारो ये ठीक है, तो आप ये ले जा सकते हो क्योंकि ये खाली है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये यूट्यूब ये देखो ये वाला, ठीक है। तो आपने 10 प्रश्नों के साथ ये जीता है, मैं वो कहता हूं क्या बोलते हैं, आशा करता हूं कि नेक्स्ट जो क्विज होगी उसके अंदर आप रियल में जीत पाओ। इसके लिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।